अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मोटापे का शिकार हो चुके हैं और दोबारा स्लिम और स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस मसले का हल बताऊंगी जिससे आप दोबारा स्लिम और स्मार्ट बन सकते हैं। आजकल मोटापा एक आम मर्ज़ बनता जा रहा है और मर्द और ख़वातीन तेज़ी से इसका शिकार बन रहे हैं, हद तक कि अब बच्ची भी इससे महफूज नहीं। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो इसको बिल्कुल भी हल्का मत लें, क्योंकि इससे और बहुत से अमराज जन्म लेते हैं। मोटापा कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का बायस बनता है। मोटापे की बहुत सारी वजूहात है, वक्त बे वक्त खाना, ज़्यादा मकदार में खाना, एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ें खाना, मुर्गन और मसालेदार ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल और वर्जिश ना करना बड़ी वजूहात है। वज़न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अपनी इन आदात को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं, जो वज़न बढ़ने का बायस है, और ना ही ऐसे एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं जिससे वज़न दोबारा ना बढ़े। ये नुस्खा मोटापे को कम करने के लिए बहुत मुफीद है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। इसके लिए आप लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लें। शहद एक खाने का चम्मच, कलौंजी एक चुटकी, लीमू आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई एक चुटकी, सेब का सिरका एक चाय का चम्मच, पुदीना तीन पत्ते। तरकीब और तरीका इस्तेमाल, तमाम अज्जा को दो गिलास पानी में डालकर उबालें। जब पानी डेढ़ गिलास रह जाए तो उतार कर छान लें। एक कप सुबह निहार मुंह और एक असर के वक्त पिए। ये अमल दो माह तक जारी रखे मोटापा कम करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो और एहतियात से मोटापे पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें, यानी ऐसी अशिया इसके लिए सबसे पहले अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें, यानी ऐसी अशिया खाएँ जिनमें कम से कम नशास्ता हो और वो सेहत बख्श भी हों। खाना उस वक्त खाएं जब आपको उसकी ज़रूरत हो, खाना हमेशा बैठ कर खाएं। खाने के दौरान मुताला ना करें और ना ही टीवी देखें। अपनी ग़िज़ा में फल और सब्ज़ियाँ शामिल रखें, पानी ज़्यादा मकदार में पिएं। अक्सर लोग सलाद को नज़रअंदाज कर देते हैं, सलाद का इस्तेमाल आपके हाजमे को ठीक रखता है। सुबह के वक्त नाश्ता ज़रूर करें, ये हमारे जिस्म के अंदरूनी अज़ा को ताकत देता है जिससे इन्हें ठीक काम करने में मदद मिलती है। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, इससे सेहत भी ठीक रहेगी और जिस्म भी स्लिम और स्मार्ट रहेगा इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।